इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोथला गांव के पास गुरुवार शाम 5:30 बजे के लगभग पुलिया पर एक सवारी वाहन रिक्शा पलट गया। गनीमत रही कि रिक्शा चालक को मामूली सी चोट आई और कोई जनहानि नहीं हुई। रिक्शा को इंदौर से धार छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी बेटमा से 2 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन का संतुलन बिगड़ने से रिक्शा नीचे खाई में जा गिरा। रिक्शा में सिर्फ रिक्शा चालक ही सवार था। चालक ने चर्चा के दौरान संवाददाता को बताया कि वह प्रतिदिन धार इसी तरह सवारी रिक्शा छोड़ने जाता है, परंतु आज संतुलन बिगड़ गया और रिक्शा खाई में जा गिरा। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।